हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंश योर गार्डनर फ्रेंड। आज आपसे इन गर्मियों में खिलने वाले सबसे खूबसूरत फूलों के प्लांट के बारे में बात करने वाला हूँ। इसे हम पोर्चुलाका बोलते हैं। कई लोग इसे 9 o'clock प्लांट भी बोलते हैं और कुछ लोग तो इसे ऑफिस टाइम भी बोलते हैं। मॉस रोज भी बोला जाता है और बटन गुलाब भी बोला जाता है इसे। तो आज हम बात करेंगे कि इस फूल में ज्यादा से ज्यादा फूल कैसे पाया जाए। इस प्लांट को अगर हम 6 से 7 घंटे की धूप मिलेगी इस प्लांट को, तो ये प्लांट उतनी ही ज्यादा फ्लावरिंग करेगा। इन सब जितने भी आप पॉट्स को देख रहे हैं, इन सभी को मैंने कटिंग से ग्रो करा है। ये सब मैंने कटिंग सभी कुछ टाइम पहले लगाई थी, 10 दिन पहले लगाई थी, और इसकी ग्रोथ इतनी फास्ट होती है। आप देखना, इतनी सी इसकी इतनी छोटी से छोटी कटिंग को भी आप लगा सकते हैं और उसी में 1-2 दिन में रूट्स आ जाएंगी। और इसकी पॉटिंग मिक्स की बात करें तो जो पॉटिंग मिक्स हम बनाते हैं, 1 हिस्सा सैंड, 1 हिस्सा खाद और 1 हिस्सा खाद, वो पॉटिंग मिक्स इसके लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन इसमें अगर हम सैंड की ज्यादा क्वांटिटी मिला देते हैं तो ये प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इस प्लांट को वेल ड्रेन्ड सॉइल काफी ज्यादा पसंद है। आप देख सकते हैं इसमें जो ये लीव्स रहती हैं, दिखाता हूं मैं आपको। इसको आप प्रेस करते हैं तो इसमें एक पानी जैसा निकलता है, पानी निकलता है इसमें, तो हम कह सकते हैं एक तरह का सर्कुलेंट प्लांट भी है। जब इसकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई साइड पे हो जाए, इसकी मिट्टी की ऊपर की लेयर सूख जाए, तभी हमें ऐसे पानी देना है। इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमने मिट्टी की बात कर ली है और यहाँ पे पानी की भी बात कर ली है, तो अब बात करते हैं इसके हम इसको कैसे न्यूट्रिशन दें जिससे इस प्लांट में फ्लावरिंग काफी अच्छी हो। सबसे पहली बात मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर कोई भी स्पेंड फ्लावर्स हो, आप उसको हमेशा इस प्लांट से तोड़ते रहिए तो इसकी ग्रोथ और भी अच्छी होगी और इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा फूल मिलेंगे। अगर इसका फूल सूख जाता है तो फिर उस सूखे हुए फूल के अंदर बीज बनने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, फिर आपके प्लांट में कम फूल आएंगे, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन हमारे लिए कभी कभी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इतने सारे फ्लावर्स रहते हैं, इसमें पिंचिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप कम से कम कोशिश करें कि आप इसकी हफ्ते में एक बार तो पिंचिंग जरूर करें। और यहाँ पे अब अगर हम बात करें इसे न्यूट्रिशन देने की, वैसे तो इसको ज्यादा खाद बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हम इसे पॉटिंग मिक्स जो बनाते हैं उसमें हमें एक हिस्सा खाद का तो डालना ही चाहिए, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा फ्लावरिंग को प्रोड्यूस करना पड़ता है, तो इसे थोड़ी एनर्जी की भी जरूरत रहती है और खाने की भी जरूरत रहती है। तो हम जो पॉटिंग मिक्स बनाते हैं उसका जो हम खाद में जितना रेशियो लेना चाहें उतना ले सकते हैं। जैसे 1:1:1 में आपको हर पोर्शन में सब कुछ लेना है, 1 हिस्सा सैंड, 1 हिस्सा खाद और 1 हिस्सा जो भी आप वर्मी कम्पोस्ट यूज करते हैं या फिर काउडंग कम्पोस्ट यूज करते हैं तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें ज्यादा फूल चाहिए तो आप इसे NPK भी हर हफ्ते दे सकते हैं। हम गोबर खाद को भी पानी में भिगो के इसे वो भी दे सकते हैं, या फिर जो हमारे पास वर्मी कम्पोस्ट रहती है उसका पानी भी हम इसे दे सकते हैं, तो वो इसे एनर्जी देता है काफी जिससे फूलों को ज्यादा प्रोड्यूस करे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमें इसे क्या देना चाहिए हफ्ते में एक बार जिससे हम इसमें ज्यादा से ज्यादा फूलों को पा सकते हैं। हम जो चाय बनाते हैं अपने घर में, तो जो उबली हुई चाय रहती है उसे हमें अच्छे से धो लेना है पानी से, ताकि उसमें जो भी शक्कर और दूध वगैरह हो वो सब अच्छे से धुल जाए। फिर उसे हमें सुखा लेना है थोड़ी देर के लिए। जब वो सूख जाए अच्छे से तो हमें उसे 200 ग्राम पानी में 1 चम्मच डालना है उस उबली हुई चाय को। फिर हमें उस पानी को 10 मिनट के लिए छोड़ देना, ताकि जो चाय में जो भी तत्व मिले हुए हैं वो सब पानी में छूट जाएं। और फिर हमें उस पानी को छान के इस पोर्चुलाका के प्लांट में देना है, उससे इस प्लांट को फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने में ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो यही थी सबसे अच्छी सीक्रेट टिप। और आप इसे अगर NPK घोल के देना चाहते हैं और काउडंग कंपोस्ट को भी पानी में भिगो के देना चाहते हैं तो वो भी आप इसे दे सकते हैं। एक्चुअली ये प्लांट की 2 तरह की वेराइटी रहती है। एक प्लांट जो रहता है वो पेरेनियल रहता है, मतलब उस प्लांट को हम सारा साल बचा सकते हैं और वो हमें गर्मियों में अक्टूबर के टाइम तक तो हमें फूल देता है, लेकिन उसके बाद फिर हमें वो सर्दियों में फूल तो नहीं देता है, पर वो प्लांट हमारे पास सारा साल बचा रहता है। वो प्लांट भी मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा, जो पेरेनियल है मेरा, वो मेरा साल भर से बचा हुआ था। और ये जो आप प्लांट्स देख रहे हैं, ये इन सबको मैंने अभी कटिंग से ही ग्रो करा था। लॉकडाउन के पहले ही कुछ प्लांट्स एक प्लांट लाया था मैं, और उन सबसे ये 3 हैंगिंग बास्केट बनाई है मैंने। अभी 2 और रखी हुई है मेरे पास, वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी तो इनमें फ्लावरिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, लेकिन जब हम इसको न्यूट्रिशन देने लग जाएंगे तो, और बारिश का जैसे समय आता जाएगा, तो बारिश में इसकी और भी ज्यादा फ्लावरिंग बढ़ जाएगी। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि इसमें जो भी पुराना रोज जो भी फ्लावर स्पेंट हो जाता है उस फ्लावर को हमें टाइम टू टाइम हटाते रहना है, वरना सीड बनने का अगर प्रोसेस शुरू हो जाता है तो प्लांट में फूल आने के कम चांसेस रहेंगे। फिर प्लांट अपनी पूरी एनर्जी उस सीड को बनाने में लगा देता है। ये वाला जो मेरा प्लांट है ये पेरेनियल है,
ये साल भर से लगा हुआ था, इसको मैंने अभी इस बड़े वाले टब में लगा दिया है। अभी धीरे धीरे मैंने इसको बहुत छोटा सा लगाया था और देखिए अब ये सब पूरा फैलता जा रहा है। और ये भी मैंने कटिंग से इतनी सी कटिंग लगाई थी मैंने इसकी, और 5-6 दिन में इसकी इतनी ज्यादा ग्रोथ हो गई। हमारे एरिया में बहुत अच्छा ग्रो करता है, वैसे जो गर्म इलाके रहते हैं वहां पे बहुत अच्छा ग्रो करता है। और आप देख सकते हैं इसकी मिट्टी, ऊपर की मिट्टी अभी सूखी हुई है। अब आज मैं इसको पानी दूंगा, जब इसकी मिट्टी ऐसे सूख जाए तभी आपको इसे पानी नेक्स्ट वाटरिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।